नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से एक कुंडली रीड करने वाला हूँ, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग प्रोसेस में। 15 जुलाई में जिन जिन की कुंडली सिलेक्ट हुई उसमें से ये दूसरी कुंडली है। जो लोग अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं और नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहते हैं, वो 30 जुलाई से पहले पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नाम और अपने दो सवाल प्रोवाइड कर दीजिए। दो सवाल प्रोवाइड करेंगे, मैं उन दो सवालों का जवाब दूंगा 30 जुलाई के बाद, अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है तो आप लोग भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे भेजिए, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दूंगा उसके व्हाट्सएप पर आप भेजिए। जो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो लोग भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो उसके लिए वो चार्जेबल रहेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ दो सवालों के जवाब देता हूँ फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे, जो फुलफिलिंग नहीं होता है। कभी कभी मुझे खुद लगता है कि मुझे और ज़्यादा इसमें कुंडली में इंडल्ज होना चाहिए, बट मैं नहीं होता, क्योंकि ये फ्री कुंडली चार्ट में सिर्फ दो सवालों के जवाब देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ जानना है या ज़्यादा आपकी कुंडली को लेके आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं एडवाइस दूंगा जी कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, मेरे से या किसी और से पर्सनल रीडिंग करवाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, दो सवाल अगर आप लोगों का नॉर्मल सवाल है, दो सवालों का जवाब है, पर्टिकुलरली अभी आपको उसी सवालों का जवाब चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं फ्री कुंडली चार्ट रीड प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो आप लोग करवा उसमें ले सकते हैं, लेकिन वो भी सिलेक्टेड होते हैं, मैं सबके नहीं ले पाता हूँ। बहरहाल आज यहाँ से मैं शुरू करूँगा जी कि इस कुंडली के रिगार्डिंग मैं अब रीडिंग करना शुरू करूँगा। बाकी आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के लाइक्स मैं काफ़ी आते हैं, उनके लिए थैंक यू, और कुछ लोग जो रिपीटेडली करते हैं उनके लिए उनको स्पेशल थैंक यू। तो अब हम रीड करते हैं इस चार्ट को, क्या हाल है इस चार्ट को वो देखते हैं। वेल, ये चार्ट है संजय जी का, अब देख सकते हैं संजय जी हैं। संजय जी 56 साल के हैं, 56 प्लस हैं, और ये उनकी कुंडली है। इनके दो सवाल है, मनी इनकम मतलब कब इनकी इनकम अच्छी बनेगी। हालांकि इनकी इनकम थी पहले, अब इनकी इनकम थोड़ी सी वॉलेटाइल है, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं जी कि मेरी इनकम कब सेटल होगी। दूसरा, वो रिलेशनशिप सक्सेस के बारे में पूछ रहे हैं। इनके प्रायोरिटी में देख लेते हैं बेस्ट पार्ट क्या है इनकी कुंडली में। इनके बेस्ट पार्ट में ये है जी कि इनके पंचमेश मतलब पाँचवें घर में शुक्र, सूर्य और बुध का वास है, मतलब देर आर थ्री प्लैनेट सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा है। कास्ट में मैरिज नहीं होती है या लव मैरिज होती है, और रिलेशनशिप हमेशा परमानेंसी नहीं देती है। चांसेस ये रहता है आदमी अकेला जिंदगी काटे, अगर शनि की दशा या महादशा चल रही हो तो इसका असर ज़्यादा होता है। गुरु चौथे भाव का होके और सातवें भाव का होके, मतलब कन्वीनियंस और बिजनेस या पब्लिक डीलिंग का मालिक होके, ग्यारहवें घर में बैठा है। गुरु जिस घर में बैठता है उस घर में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, बट ग्यारहवें घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट कुछ भी खराब रिजल्ट नहीं देता है। केतु और मंगल यहाँ पे दूसरे घर में बैठ के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं एज एन फिक्स एसेट के लिए। थोड़ा मार्स सेकेंड हाउस में अगर बैठ जाए और एनिमी हाउस में बैठा है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन कभी कभी हार्श हो जाता है, और केतु के साथ बैठने के बाद नॉलेज हो जाता है तो थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। तो ये हवा देता है केतु थोड़ा सा आपके लैंग्वेज में, और वो जो हवा लिखती है मार्स को उससे और ज़्यादा ये एरोगेंस में आ जाता है, या थोड़ा कम्युनिकेशन भारी होता है। तो अपनी कम्युनिकेशन में यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। राहु आठवें घर में बैठा है। आठवें घर में बैठा हुआ राहु यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल है। पहले घर में बैठा है, मंगल के घर में बैठा है, कुछ खास अच्छा यहाँ पे नहीं रिजल्ट देगा, हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन देगा। अगर राहु की अंतरदशा चली या महादशा चली तो उस समय में आपके पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशन होगी, या आपकी वाइफ के साथ सेपरेशन होगी, या उनके हेल्थ इश्यूज होंगे, या उनसे कोई मेजर गेन भी हो सकता है, उनके एंसेस्ट्रल या पैटर्नल साइड से कोई गेन भी हो सकता है। चलिए, अब ये रहा आपकी कुंडली का ओवरऑल एनालिसिस।
थोड़ा सा आपकी कुंडली का आपके सवालों के हिसाब से जवाब दे देता हूँ। इन्होंने मुझे बोला था संजय जी ने जी कि 2019 सॉरी माफ़ कीजिएगा जी कि ये पहले फॉरेन में सेटल थे, उसके बाद वो इंडिया आया और इंडिया आके इन्होंने अपनी कंसल्टेशन और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी, जिसके बाद से इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। मुझे जितना उम्मीद लग रहा है संजय जी, आप 2019 में आए होंगे, 19 के बाद मई के 19 मई के आसपास या उसके बाद आप इंडिया शिफ्ट हुए होंगे और उसके बाद आपको जितनी प्रॉब्लम शुरू हुई हैं उतनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। उससे पहले शायद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम्स रही होंगी आपको, क्योंकि उससे पहले आपकी बुध की महादशा चल रही थी, अभी आपकी केतु की महादशा चल रही है। आपकी 2019 के मई के आसपास से मेरे हिसाब से केतु की महादशा चालू हुई है और ये 7 साल के लिए चालू हुई है। 2026 तक आपकी महादशा चलेगी केतु की। आपकी राहु की अंतरदशा कटी है अभी मई के महीने में, एज आई सेड। हो सकता है जी कि कुछ गेन मिला हो या कोई मेजर लॉस हुआ हो या सेपरेशन हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम रही हो, हो सकता है जी कि कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इस समय में, तो आपके हो सकता है फिक्स एसेट से आपको कुछ नुकसान हुआ हो आपके फिक्स एसेट में, आपके वाइफ के साइड से या किसी और के साइड से उनके बिहाफ पे। चलिए ये पॉइंट तो पास्ट का रहा, अब पॉइंट ये रहा जी कि अब क्या चल रहा है। केतु में गुरु चल रहा है, गुरु 2024 तक चलेगा, केतु में शनि चलेगा 2025 तक और केतु में बुध चलेगा 2026 के मई तक। उसके बाद शुक्र की महादशा लगेगी आपकी, ठीक है, शुक्र की महादशा लगेगी आपकी, 2062 तक चलेगी, 2026 से शुरू होगी। अब सवाल ये है जी कि आपका अगर सिंपल लॉजिक दे दूं मैं तो शुक्र की महादशा जब चलेगी तभी सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, मतलब फिर आपका ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र की महादशा होने से पहले आपको अपने आप को काफ़ी हद तक संभालना पड़ेगा। एज आई सेड कि एट प्रेजेंटली गुरु की आपकी अंतरदशा चल रही, राहु की खास अच्छी नहीं गई, हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहे होंगे या सडन लॉसेस रहे होंगे या फाइनेंशियल लॉसेस रहे होंगे या फाइनेंशियल गेन रहे होंगे। वाइफ के अगर साथ में रहती तो हो सकता था फाइनेंशियल गेन हो जाता, लेकिन अगर नहीं है या तो सेपरेशन हुआ है तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो राहु क्या भी उल्टा भी कुछ भी कर सकता है। तो अपने फिक्स एसेट से आपने किया होगा कुछ भी, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन राहु का असर यहाँ पे बैठे हुए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ खास करेजिंग नहीं, इंकरेजिंग सब्जेक्ट नहीं है राहु यहाँ पे। बात ये बसती है जी कि अब गुरु की अंतरदशा चल रही है तो अब आपके पास सवाल क्या है जी, मनी इनकम कम होगी। देखिए मनी इनकम आपकी शुरू होगी 2026 में प्रॉपर, 2026 इज़ द बेस्ट टाइम। आफ्टर दैट 2062 जो वीनस की टाइम चलेगी उस टाइम पे आपकी मनी इनकम होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका बेस्ट रहेगा समय। लेकिन उस टाइम तक आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी कि आपको अपने कुछ उपाय करने पड़ेंगे। देखिए जब अभी तो राहु चला था, अगला शनि चलने वाला है गुरु के बाद, तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ख्याल रखना पड़ेगा आपका। देखिए अभी गुरु भी कोई खास वो नहीं है, लेकिन 11वें घर में बैठा है, लेकिन फिर भी मारक हो सकता है, तो आपको अभी अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा गुरु और शनि के समय पे, ठीक है। 2000 जो ये आपका अभी गुरु का समय चल रहा है और शनि का समय चल रहा है, इसमें आपको अपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। मनी इनकम आपको अभी स्टेबल नहीं होगी, बट आपकी मई के महीने के बाद से अच्छी इनकम शुरू हो जानी, मतलब अच्छी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत इनकम शुरू हो गई होगी, क्योंकि आपके बिजनेस का और आपके पब्लिक डीलिंग के ओनर होके 11वें घर में बैठा है, और देखा जाए तो नवम पंचम का योग बना रहा है, तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं और चौथे घर का ही मालिक है, तो चौथे घर से आप अगर कुछ फिक्स एसेट या कुछ कन्वीनियंस या कुछ भी आप डील कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं अपने से, तो उसका मालिक होकर 11वें में बैठा है, और आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, अष्टमेश होके बैठा है, लेकिन यहाँ से बिजनेस डीलिंग या कोई भी पब्लिक डीलिंग में अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको इनकम मिल जाएगी। लेकिन केतु की जो महादशा चल रही है इसी कारण आपको प्रॉब्लम रहेगी, 2026 तक रहेगी। अब बात आती है जी कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो इसका सिंपल लॉजिक ये दिया जाता है, आपको डेली बेसिस पर डॉग फीड करना पड़ेगा। अगर ब्राउन कुत्ता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डॉग फीड करिए, डॉग शेल्टर प्रोवाइड करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कुछ हद तक आपके केतु की दशा में, आपकी महादशा में दिक्कतें कम करेगा। केतु यहां बैठे हुए आपके फिक्स एसेट को महादशा में कम कर रहा है, 2019 के बाद से हो सकता है आपके फिक्स एसेट्स में बहुत कमी आ रही हो। ये केतु क्यों कर रहा है, इसका रीजन ये है क्योंकि आपने अपने जीवन में पहले बहुत एसेट्स बना लिए हैं,
यहाँ बैठा हुआ भाग्य से आपने अपनी फिक्स एसेट बहुत बनाया है, ठीक है। पंचमेश में, पंचम और नवम में बैठा हुआ घर बहुत, प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो आपके यहाँ पे बैठा हुआ वीनस जो सेकंड हाउस का ओनर होके और भाग्य का ओनर होके यहाँ पे बैठा है पंचम घर में, तो उसने काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया होगा फ्यूचर में, क्योंकि मरकरी की महादशा चली है, उससे पहले आपकी गुरु की चली होगी, सॉरी सैटर्न की चली होगी, और सैटर्न के पहले गुरु की चली होगी। आपकी जितनी भी महादशाएं चली हैं वो अभी तक पॉजिटिव महादशाएं चली, क्योंकि शनि भी पंचमेश होके अपने 11वें सप्तम घर में बैठा है। तो डिवोर्स हो सकता है पहले भी हो गया हो, या मैरिज हुआ हो तो बहुत पहले जब शनि की महादशा चली हो, तो अब प्रेजेंटली, और अब जब गुरु की महादशा चली थी तब भी आपका अच्छा समय था, क्योंकि बिजनेस में आपको अच्छी इनकम मिली थी, घर से भी अच्छी इनकम मिली थी, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ कन्वीनियंस सब कुछ मिला था, क्योंकि इनकम आपकी अच्छी हो गई थी गुरु की महादशा। और मरकरी की महादशा में आपकी बहुत अच्छी पोजीशन रहा होगा, क्योंकि ये वर्किंग लॉर्ड होके और भाग्य लग्नेश होके पंचमेश होके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन अब जब इतना सारा अच्छा रहा है इस कारणवश, अब क्या हो रहा है जी कि आपको कुछ चीज़ें आपके अंदर थोड़ा सा ये जो है ना एरोगेंस, या थोड़ा सा घमंड, या थोड़ा सा ऐसा हो गया जी कि आई नो थिंग्स, ठीक है। तो वो नो आई नो थिंग्स के चक्कर में क्या हो रहा है जी कि थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर दिया जा रहा है, आपके फिक्स एसेट को प्रॉब्लम दिया जा रहा है। देखिए केतु का एक स्वभाव रहता है, केतु हमेशा लोनलीनेस अकेलापन, और जहाँ बैठता है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भगाने की कोशिश करता है। तो जिस घर में बैठा है उस घर में लॉस करवा के आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने की कोशिश करता है, और उस घर को लेके आप ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अगर चौथे घर में बैठा हो तो माँ बाप को लेकर टेंशन, मम्मी को लेकर टेंशन हो जाती है, कन्वीनियंस को लेकर टेंशन हो जाती है। अब दूसरे घर में बैठा है तो फिक्स एसेट को लेकर टेंशन हो जाती है, और इंसान कहता है क्या ही फ़ायदा, कुछ कर रहा हूँ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपके फिक्स एसेट को 2026 तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आपके हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा 2026 तक। ये आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन आपकी एज है 56, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अपने हेल्थ को लेकर ध्यान में रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ केतु मंगल के साथ खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ऊपर से मंगल अष्टमेश और तीसरे घर का मालिक हो के सेकंड हाउस में बैठा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मंगल। अगर मंगल का समय अगर राहु के अंदर अंतरकाल में चला था तब आपका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे, या हो सकते थे, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा होगा। एट प्रेजेंटली मैं आपको यही बोलूँगा जी कि केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भगा रहा है, अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो एक्सेप्ट करिए स्पिरिचुअलिटी को, अपने आप को मेडिटेशन में थोड़ा सा डालिए, और अपनी थोड़े से लैंग्वेज को, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए जी कि कॉन्फिडेंस, जहाँ कॉन्फिडेंस के बजाय ये समझ लीजिए कि आप बोले कि नहीं है मेरे में कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कम, मतलब मैं नॉर्मल आदमी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्फिडेंस दिखाने की, अब मैं चल रहा है मेरा जैसा चल रहा है ठीक है, और मेरे को ना ही किसी को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, ना ही मुझे अपनी किसी को एबिलिटी दिखानी है। जो समझेगा समझेगा, ना कोई बुरा समझे तो बुरा समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर एटीट्यूड लेके चलेंगे, थोड़ा सा अच्छा एटीट्यूड लेके चलेंगे जी की थोड़ा सा, मतलब एटीट्यूड सबका अच्छा ही रहता है, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे उसमें, और ये कोशिश करेंगे जी की कि नॉर्मल है, ठीक है, जो भी है प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे किसी को नहीं दिखाना जी कि मेरे पास क्या है और मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो हूँ हूँ, और जिसको देखना है वो अपने आप ढूंढ के देख लेगा, जो मुझ में इंटरेस्ट लेगा वो अपने आप ढूंढ के देख लेगा, है ना। तो अगर ऐसा एटीट्यूड लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लॉसेस कम होगा, डॉग फिट करिए अच्छा रहेगा, और अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उससे आपको बेटर फ़ायदा मिलेगा। साइमल्टेनियसली आपका 26 के बाद शुक्र की दशा चलेगी, जब तब आपका रिलेशनशिप सक्सेस की आपने बात बोली है। 26 के बाद आप देखिए, तीन प्लेनेट बैठे हैं रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप आपकी रही होगी और अभी भी चल रही होगी बहुत सारी, तो रिलेशनशिप ही रखिएगा, शादी के इंटरेस्ट में ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि शादी करेंगे तो फिर 7वें घर का मैटर आ जाएगा, और 7वां घर ठीक है उतना अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ बेटर वैसे कर सकते हैं आप अगर करना चाहे तो शादी वगैरह फ्यूचर में, बहरहाल आपकी आपकी अपनी पसंद के हिसाब से आप करें तो आपकी चॉइस है जी कि आप शादी करना चाहते हैं क्या नहीं। मैं एडवाइस दूंगा जी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहिए, 26 के बाद आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिलेगी, और उनकी रिलेशनशिप आपकी रिलेशनशिप के थ्रू ही आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म हो सकता है आपको गेन मिले। आपकी जो जो रिलेशनशिप होंगी उनका भाग्य काफ़ी अच्छा रहेगा,
और उनकी वर्किंग की थ्रू आपको फ़ायदा मिलेगा, या हो सकता है आप दोनों एक कोलैबोरेटिव बिजनेस या साथ में चलने की कोशिश करें, बिजनेस रिलेशनशिप हो और बाद में जाके वो फ्यूचर में गेन करे और अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। आपके लिए मैं एडवाइस दूंगा 2025 तक अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा काफ़ी सावधान रहिएगा, उसके बाद आप चाहे जो भी करें ठीक है, लेकिन 2025 तक सावधान रहिएगा क्योंकि शनि की दशा 2025 मई तक चलेगी जितना मुझे दिख रहा है। उसके बाद आपका थोड़ा बेटर हो जाएगा क्योंकि मरकरी आ जाएगी। मरकरी आने पे क्या होगा जी कि आपका आपके लगन और इतना केतु उतना असर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। इनकम आपकी अभी भी रहेगी लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी, तो इनकम उतनी अच्छी नहीं होगी। सब कुछ अब अच्छा होगा, वो होगा रिलेशनशिप, पैसा, सब कुछ अच्छा होगा 2026 के बाद। बहरहाल मैं यही बोलूँगा जी कि अगर अच्छा नहीं है वो आप फाइनेंशियली सोच रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सोशल वर्क या थोड़ा सा सोसाइटल वर्क में डालें, दूसरों के वेलफेयर में डालें और दूसरों के बारे में थोड़ा सोचें, हो सकता है जी कि ये टाइम पीरियड आपको शांति दे, आपको पीस ऑफ माइंड दे। डॉग फिट ज़रूर करवाइएगा, लोगों की मदद करिए, अभी के लिए आपके लिए वही अच्छा रहेगा। इनकम होगा, कोशिश करेंगे तो रहेगा, लेकिन 100% इनकम नहीं मिलेगी, 10-20% 30% का बेनिफिट चेंज मिलेगा ही मिलेगा। गुरु यहाँ बैठा हुआ अच्छा फल देगा, शनि के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी हेल्थ को लेके, यहाँ पे भी है लेकिन उतना नहीं देगा जितना ये देगा शनि जब आएगा, तो ठीक है। तो 25 तक सावधान रहिएगा। ये था मेरी रीडिंग आपके लिए संजय जी। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, और बाकी दूसरा मैं ये उम्मीद करता हूँ जी कि आप अच्छे रहें, सुखी रहें और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा ध्यान पे रखे चलिएगा। आपकी कुंडली में केतु हमेशा, केतु की महादशा आती है तो कुछ सिखा के जाती है। मैं उम्मीद करूँगा जी कि आप अपनी महादशा में कुछ अच्छा ही सीखेंगे। पैसा ही जीवन का सब कुछ असल निचोड़ नहीं है, दूसरी भी चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, उनको एक्सेप्ट करिए और उसको एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू संजय जी।